और वहीं कई विषयों पर देश से अपनी बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। ठीक सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की यह 70वीं कड़ी होगी। कई विषयों पर आधारित पीएम मोदी की यह बातचीत ऑल इंडिया रेडियो, डीडी और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर सुबह 11 बजे प्रसारित होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले महीने 27 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि वे नमो या MyGOV ऐप का इस्तेमाल से अपने संदेश को रिकॉर्ड कर सवाल और सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर थी। उधर विजयदशमी के त्यौहार पर चीन को बड़ा संदेश मिलने वाला है। चीन से जारी तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख की सीमा पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाएंगे। फिलहाल वो सिक्किम पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन के दौरे पर हैं। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन से तनातनी के बीच जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में भारतीय सेना के साथ दशहरा मनाएंगे। राजनाथ सिंह सिक्किम के नाथुला पास के पास शेरथांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे। राजनाथ इससे पहले दार्जिलिंग के सुकना स्थित 33वें कॉर्प्स मुख्यालय पर भारतीय सेना के जवानों से मुलाकात कर तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जवानों को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह के साथ इस दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे भी मौजूद हैं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।